मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनबरसा में 635 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के जीवन आसान होगा और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। योगी ने युवाओं को ब्याज मुक्त लोन की भी सुविधा देने का ऐलान किया। बहराइच के विश्वेश्वरगंज थाना क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल मोतीलाल को 3000 रुपए के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ग्राम मुंडरेवा की अकबरी बेगम की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। मोतीलाल को गिरफ्तारी के बाद थाना ले जाकर विधिक कार्रवाई की गई। सरादी ब्लॉक विश्वेश्वरगंज तहसील प्रयागपुर की रहने वाली हूँ। सर, मामला ये कि मेरे पिताजी की डेथ जनवरी में हो गई थी, जिससे मैंने ऑफलाइन अपने हल्का लेखपाल मोतीलाल को दो बार ऑफलाइन पेपर दिया कि हमारा वरासत कर दीजिए, लेकिन इन्होंने वरासत के नाम पे हमसे कुछ पैसे मांगे तो हमने पैसा देने से मना कर दिया। फिर दोबारा इनको कागज़ दिया, फिर इन्होंने वरासत नहीं किया। फिर मैंने ऑनलाइन कराया, फिर ऑनलाइन कराने के बाद इनसे मैं तहसील में जा कर के मिली और कहा कि सर मेरा वरासत कर दीजिए। इन्होंने कहा जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक वरासत नहीं करेंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे। बहराइच के विश्वेश्वरगंज थाना क्षेत्र के मधीनगरा गांव में एक 28 साल के संदीप कुमार पाठक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। युवक घर से शौच के लिए बाहर गया था और देर रात तक जब घर वापस नहीं आया तो परिजनों ने तलाश शुरू की। शुक्रवार दोपहर तालाब में शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। गाजियाबाद में एक यूट्यूबर और गेमर प्रवीण का हथियारबंद बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने फॉर्चुनर में प्रवीण को मथुरा के जंगलों में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने प्रवीण को सुरक्षित छुड़ाया और आरोपी की तलाश शुरू की। मामले की जांच में पता चला कि अपहरण तिरंगा गेमिंग ऐप से जुड़ी वसूली के विवाद को लेकर हुआ था। पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश जारी है। गाजियाबाद में पुलिस ने एक हाईटेक फर्जीवाड़ा गैंग का फांडाफोड़ किया है। गैंग के सदस्य मिनी ट्रैवल वैन में घूमकर लोगों को फोन कॉल कर फर्जीवाड़ा करते थे और बैंक खातों से पैसे निकालते थे। पुलिस ने इनके पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, दस्तावेज और क्रेडिट कार्ड धारकों का डेटा बरामद किया है। विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस द्वारा इंदिरापुरम पुलिस जब रात्रि गश्त कर रही थी तो उसी दौरान इनको 5/6 की पुलिया ग्रीन बेल्ट पर एक टेम्पो ट्रेवलर मिनी बस आते हुए दिखाई देती है। उसमें कुछ संदिग्ध प्रतीत होने पर जब पुलिस टीम द्वारा इनको रोका जाता है, इनसे पूछताछ की जाती है तो इनके द्वारा ये बताया जाता है कि ये लोग एक जालसाजी का काम कर रहे हैं। उस जालसाजी के काम में इनके द्वारा इनका पूरा एक गैंग है। उस गैंग में ये अभी अपने 3 मेंबर यहाँ पे हमें बस के अंदर मिले हैं और इन लोगों द्वारा बताया गया कि ये लोग टेली कॉलिंग के माध्यम से जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता था उनको फोन करते थे। राजस्थान सरकार ने देर रात IAS अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट जारी की। जलौर की पूर्व कलेक्टर पूजा पार्थ को जयपुर गृह विभाग में स्थानांतरण कर दिया गया है और उनकी जगह डॉक्टर प्रदीप के गवांडे को नियुक्त किया है। डॉक्टर गवांडे पहले भी चूरू के कलेक्टर रह चुके हैं और अब जलौर की कलेक्ट्री संभालेंगे। वहीं टीना डाबी, जो डॉक्टर गवांडे की पत्नी है, को बाड़मेर का कलेक्टर बनाया गया है। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की लेक्चरर मनीषा को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2024 में सम्मानित किया गया। उनके नौगावा आगमन पर स्कूल परिसर, खटिक समाज और नगर पालिका ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष राजीव सैनी और कई अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे। कोटा ACB ने रेलवे स्टेशन से बरा के रसद विभाग के अधिकारी दिनेश चौबे को 1,76,000 रुपए के रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। चौबे अवैध वसूली के आरोप में रणथंबोर एक्सप्रेस से जयपुर जा रहा था। ACB ने राशि की जांच शुरू कर दी है। हमें गोपनीय सूचना ये मिली थी कि 12 में जो प्रवर्तन निरीक्षक है जिला रसद कार्यालय में और जिनका अभी 2 दिन पहले ही प्रमोशन हुआ है, उनको प्रवर्तन अधिकारी बना दिया गया है, उनके द्वारा क्षेत्र के जो राशन डीलर हैं और जो दूसरे दलाल के मार्फत काफ़ी मात्रा में रिश्वत की राशि उनके द्वारा इकट्ठी की गई है, अर्जित करके इकट्ठी की गई है और उसको लेके वो कभी भी जो उनका जो निवास स्थान है जयपुर में वहाँ के लिए मूव करेंगे, वो धनराशि लेके जाएंगे। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में स्कूल से घर लौट रही छात्रा के साथ गन्ने के खेत में छेड़छाड़ की गई। आरोपी युवक ने छात्रा को खेत में ले जाने की कोशिश की लेकिन ग्रामीणों की मदद से छात्रा को बचा लिया गया। घटना के बाद हिंदू संगठनों और परिजनों ने थाने में घेराव किया। पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
नोएडा सेक्टर 126 में देर रात पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। एक बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था। फरार दो अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। संभल में बीजेपी नेता प्रेमपाल द्वारा गोलीकांड का झूठा आरोप लगाकर निर्देशकों को जेल भेजने की घटना सामने आई है। जब मामले की गूंज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक पहुंची तो पुलिस ने जांच दोबारा से शुरू की और पाया कि बीजेपी नेता ने खुद गोली लगवाकर झूठी शिकायत की थी। पुलिस ने अब बीजेपी नेता और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर निर्दोष को बरी किया है। हालांकि अब ये सवाल उठ रहा है कि पहले बरामद किए गए डंडे और तमंचे कहाँ से आए। इस मामले की न्यायिक जाँच से पुलिस की कई अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो गई है।